एक दिसंबर को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है रामलीला मैदान में दिल्ली में, और उसका जो मकसद है उसका मकसद है संविधान को बचाने का, वक्फ को बचाने का, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा करने का, आदिवासियों के जो डिमांड है उनको पूरा करने का, जाति जनगणना का, निजीकरण का, निजीकरण के विरोध का, ये तमाम ये मकसद हैं, ये तमाम हमारी इसके अंदर मांगे हैं। इसीलिए डॉक्टर उदित राज साहब के अध्यक्षता में और उन्हीं की लीडरशिप में ये विशाल रैली होने जा रही है 1 दिसंबर को दिल्ली में। क्योंकि रैली के अंदर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं दलितों के, ओबीसी के, माइनॉरिटीज़ के और आदिवासियों के। तो ये जो हमारा परिसंघ है ये बहुत सारे संगठनों का एक परिसंघ है, इसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी, माइनॉरिटी को मिलाकर के इनकी तमाम डिमांड को लेकर के ये 1 तारीख को रैली कर रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम डिमांड्स हैं उसमें दलितों की भी डिमांड्स हैं, आदिवासियों की भी डिमांड्स हैं, मुसलमानों की या माइनॉरिटीज़ की भी डिमांड्स हैं, ओबीसीज़ की भी डिमांड्स हैं। इसीलिए यहाँ पर सब लोग मिल कर के एक ही विशाल रैली कर रहे हैं। क्योंकि देश में क्या कर रखा है, कुछ लोगों ने जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो देश को बांटने की राजनीति करते हैं, वो देश के लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने की राजनीति करते हैं। देश को उन्होंने बांटा हुआ है और बांटने के बाद वो कहते हैं कि एक हो जाओ वरना कट जाएंगे। बेसिकली 7,000 जातियों में और 70,000 उपजातियों में बांटने का काम इन्होंने किया। ये बांटने की बात करते हैं, उनसे ज़रा पूछ लो अगर कि भैया रोटी की और बेटी की आप बात करने को तैयार हो क्या? क्या आपने दलित के यहाँ पर अपनी बेटियाँ दोगे, उनके यहाँ साथ में खाना खाओगे बैठ करके, और वाइस वर्सा तो पतली गली से निकल जाएंगे, या मुसलमानों के साथ या आदिवासियों के साथ या ओबीसी के साथ भी ये सबको अछूत मानते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए भी सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा। उस छत का नाम, उस परिसंघ का नाम ही ये डोमा है, जिसका मतलब है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ। इस पूरे सबको जोड़ करके जो एक छत के नीचे लाके हम ये कोशिश कर रहे हैं एक विशाल रैली करने की। इसीलिए 1 तारीख के प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर आपके सामने हम लोग हैं। बड़ी मशहूर सी कहावत है, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। आप कह रहे हो कि साहब मैं संविधान को चूमता हूँ, ये संविधान की वजह से बना हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि संविधान की वजह से बने हैं, लेकिन क्या वो संविधान की ज़रा से भी इज्जत करते हैं? क्या वो संविधान को ज़रा से भी प्यार करते हैं? अगर वो संविधान की इज्जत करते, संविधान को प्यार करते, तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम नहीं करते, वक्फ को लूटने का काम नहीं करते। संविधान का अभिन्न अंग, देखिए सेकुलरिज्म संविधान का अभिन्न अंग है, धर्म का अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है, नौकरियों का अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है, बोलने का अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। अब आप मुझे बताइए, क्या आज की डेट में बोलने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगा है? बोलने की वजह से बहुत सारे लोग जेलों के अंदर बंद नहीं है, सिर्फ बोलने की वजह से। वो आतंकवादी नहीं है लेकिन वो बोलते हैं, इसलिए उनको जेलों के अंदर डाला हुआ है। अब आप मुझे बताइए, मुसलमानों की अगर मैं खाली बात करूं, वक्फ में ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि इसमें साहब हिंदू भी होंगे, इसको सरकार दोबारा से इसके सर्वे करेगी, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? अभी जो मदरसा एक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही करार दिया है, मदरसों को बंद करने की कार्रवाई करना, गुरुकुल को आप कहो गुरुकुल चलेंगे, मदरसे बंद होंगे, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या संविधान के हम सब लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी देश के अंदर लोग हैं, क्या वो सब संविधान क्या देश के बाशिंदे नहीं हैं? क्या वो देश के बच्चे नहीं हैं? क्या वो देश की जनता नहीं है? तो जब सब लोग देश के लोग हैं और देश की जनता हैं, तो आप तमाम चीज़ों को कह दोगे अगर कि साहब ये दलितों को नहीं मिलेगा, ये मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये आदिवासियों को नहीं मिलेगा, ये ओबीसी को नहीं मिलेगा, यानी धर्म और जाति के आधार पर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो और एक पर्टिकुलर वर्ग को, यानी 85% लोगों को आप हाशिए पर लाके खड़ा कर देते हो, तो ये आप संविधान को मानने वाले लोग हो क्या? ये तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग हो। तो आप तो जो हमने कहावत सुनी थी बचपन से, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और यह तो पूरी तरह से सही साबित होती है कि आप एक ड्रामा करने के लिए, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये अल्फाज कह रहा हूँ,
आप एक ड्रामा करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए ये संविधान को चूमने का काम करते हो, संविधान की शपथ लेने का काम करते हो। अब मुझे बताइए, संविधान की शपथ लेकर के जो संविधान की शपथ जो लेगा वो सेकुलरिज्म की शपथ ले रहा है, यानी देश का कोई धर्म नहीं है, सब धर्मों की इज्जत है, तो आप पर्टिकुलर धर्म के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, या पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ आप कैसे काम कर सकते हो? तो फिर आप संविधान से चलने वाले थोड़ी नहीं है। या आप लोगों को धर्म के आधार पर उनके घर को बुलडोजर करोगे? आप कानून तो नहीं कहता ना। तो धर्म के आधार पर जब आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानते हो, ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश को आप नहीं मानते हो, तो आप किस बिना पे ये कहते हो कि हम संविधान को इज्जत करते हैं, हम संविधान को प्यार करते हैं? तो बेसिकली ये लोग संविधान की इज्जत नहीं करते हैं, संविधान को प्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ दिखाने की चीजें हैं, लोगों को गुमराह करने की चीजें हैं, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड में आपका अच्छा सवाल है, मुझे बताइए अगर आपके घर पे मैं कब्जा कर लूं तो आप परेशान होंगे या नहीं होंगे? इस बात को जरा इस बात से समझिए। आप भाई का सवाल है, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो जाता है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं तमाम देश के सामने एक बात रख रहा हूं, अगर आपके घर पर, आपकी प्रॉपर्टी पर मैं कब्जा कर लूं या कोई भी कब्जा कर ले तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जब आपको फर्क पड़ेगा तो उसी तरह से जो वक्फ है वो वक्फ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है, उन्होंने मुसलमानों ने उनको दान दिया है, अल्लाह सुभान व तआला को दान दिया है। वक्फ तीन तरह का होता है, ये भी मैं आज यहाँ पर इनके सवाल की वजह से उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वक्फ तीन तरह का होता है, एक तो रिलीजियस उसका पर्पज़ होता है, जो सिर्फ धार्मिक काम हो गए, कब्रिस्तान हो गया, मुसलमान दफन होंगे, मदरसा हो गया वहाँ कोई भी पढ़ सकता है, हॉस्पिटल्स हो गए वहाँ कोई भी जाके इलाज करवा सकता है, कॉलेजेस हो गए वहाँ कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो एक होता है रिलीजियस पर्पज़, एक होता है सोशल पर्पज़, एक होता है चैरिटेबल पर्पज़, यानी लोगों की मदद करना। बेवा हो गए हैं कुछ लोग, उनको आपने पेंशन देनी है, जो लोग 60 से ज़्यादा की उम्र होगी उनको आपने पेंशन देनी है, जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं आपने उनको पेंशन देनी है, जो लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं आपने उनको पेंशन देनी है। तो इसके तीन काम हैं, रिलीजियस सिर्फ मुसलमानों के लिए, सोशल सबके लिए, उसमें कोई मज़हब की वो नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी है, हम सबकी हेल्प करेंगे, हिंदू की भी करेंगे, मुसलमान की भी करेंगे, दलित की भी करेंगे, ईसाई की भी करेंगे, ओबीसी की भी करेंगे, आदिवासी की भी करेंगे, हम पूरे देश की करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर हमें वक्फ बोर्ड चलाने की इजाज़त मिल जाए, सरकार उसमें हस्तक्षेप ना करे, तो हम पूरे देश का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन सर, एक मिनट, सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल को रुक जाइए। वक्फ इतनी बड़ी चीज़ है, तो ये जो चीज़ है हमारी, मालिकाना हक हमारा, हम फ़ायदा सबका करना चाहते हैं, ये वक्फ का मतलब है। और सरकार क्या करना चाहती है? सरकार उस वक्फ को छीनना चाहती है जो वक्फ सिर्फ और सिर्फ हमारा है, जो वक्फ हमारे बुजुर्गों ने दिया इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, रिलीजन के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, रिलीजियस पर्पजेज के लिए, सोशल पर्पजेज के लिए। ये सरकार उन सब चीज़ों को ख़त्म करके इनको हड़पना चाहती है, मुसलमानों को ऑलरेडी हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है, ये मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, और ये मुसलमानों को ख़त्म करने का इनका एक बहाना है, सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो एक गठजोड़ है ओबीसी, आदिवासी, दलित और मुसलमान का, ये ख़त्म करना चाहते हैं, चूँकि राष्ट्र सब पे कर रहे हैं। आप तो प्रेस के लोग हो, फिर ये जो गोदी मीडिया एक, मैं बता रहा हूँ, जो गोदी मीडिया एक भ्रम फैलाती है उसमें आप पता नहीं क्यों आ जाते हैं। ये तो बिल में आया है ना। अरे बता तो रहे हैं भाई, अब सुन तो लीजिए। आपने दो सवाल आपके हैं कि डीएम को पावर मिल जाती है तो उससे क्या दिक्कत है, दूसरा आपने कहा कि फला आदमी ने उस पर कब्जा किया हुआ है उसमें आपको क्या दिक्कत है, उसको जेल में डाला हुआ है, दो आपके अलग अलग सवाल हैं। अब मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूँ कि ये जो आपने कहा कि फला आदमी ने कब्जा किया हुआ है इसने जेल में डाला हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, डीएम के पावर की बात है, मुझे बताओ इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ है? नहीं, आप इसे पूछता हूँ मैं, कानून नाम की चीज़ है ना? यहाँ पर दीवानी अदालतें हैं, यहाँ पर फौजदारी अदालतें हैं, यहाँ पर आपके डीएम की भी अदालतें हैं। दीवानी अदालतों के अंदर टाइटल डिसाइड होता है, टाइटल कहाँ पर डिसाइड होता है? दीवानी अदालतों के अंदर। उन दीवानी अदालतों के अंदर जो टाइटल डिसाइड होता है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जहां पर दीवानी अदालतों का अधिकार लेकर के एक पर्टिकुलर कोर्ट बना दी, पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बना दिया। जैसे बैंक में 10 लाख के जो ज़्यादा केस होंगे वो डीआरटी में चलेंगे, जैसे जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए कैट बना दिया,
जैसे जो एमएससीटी के मैटर होंगे यानी एक्सीडेंट के लिए, उनके लिए ट्रिब्यूनल बना दिया कि उसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हो गया, ऐसे ही जो वक्फ की प्रॉपर्टियों के केसेस होंगे वो अलग ट्रिब्यूनल में चलेंगे। उस ट्रिब्यूनल में हमारे देश के ही जज होते हैं, इसी जुडिशरी के जज होते हैं, सिटिंग जजेस होते हैं। एक गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होता है रेवेन्यू का, वो होता है, वो वहाँ डिसाइड करता है। अब आप मुझे बताइए, आप जुडिशरी की पावर खत्म करके एक डीएम को अपने नौकर को पावर देना चाहते हैं, वो भी सरकार जो का, वो सरकार का वो सरकार का नुमाइंदा है, वो सरकार का गुलाम है। जुडिशरी गुलाम नहीं है, इस चीज को फर्क को समझिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर जुडिशरी ना होती तो अब पूरे का पूरा देश गुलाम हो गया होता। अगर आईएएस के जरिए देश चलने लगा तो, अगर डीएम के जरिए देश चलने लगा तो, आप जुडिशरी की पावर खत्म करके डीएम को पावर देना चाहे तो ये कौन सा इंसाफ है भाई? इस देश के अंदर जुडिशरी है ना, तीन स्तंभ है ना इस देश के, जुडिशरी एक स्तंभ है ना। आप संविधान को मानते हो? संविधान को पद पर है ना डीएम भी, उसको पावर तो है, उसको दी जाएगी। भाई ये बताओ, जुडिशरी से बड़ा है डीएम? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना। ये देश किन तीन पिलर पर खड़ा हुआ है? आप संविधान की बात कर रहे हो, ये तीन पिलर कौन कौन से हैं? नाम बता दूं मैं आपको, एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, चार पिलर, तो 14 तो आपका है। ये तो आप हमारी बात को उठाते हैं, सब जगह पहुंचाते हैं, अनडाउटली बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये पिलर संवैधानिक पिलर नहीं है। संवैधानिक पिलर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी को अगर ख़त्म कर दिया गया तो आप मान लीजिए आप सब के सब लोग गुलामी में फिर से चले जाएंगे। ये जुडिशरी को ख़त्म करने की चीज़ें हैं। डीएम को पावर देना, जुडिशरी की पावर ख़त्म करके, यानी अब जब ट्रिब्यूनल को आप ख़त्म करेंगे तो आप जुडिशरी की पावर ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है सेक्रेटरी, वो डीएम से बड़ा अफसर होता है, सरकार के अफसर होता है ना, तो आप रेवेन्यू ऑफिसर की पावर ख़त्म करके आप डीएम को दे रहे हैं। और रेवेन्यू ऑफिसर किसके साथ बैठता है? जुडिशियल ऑफिसर के साथ बैठता है। कितना अच्छा निज़ाम है, जुडिशियल ऑफिसर बैठा हुआ है, सरकार का नुमाइंदा बैठा हुआ है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर बैठा हुआ है। आप वो ख़त्म करके सिर्फ डीएम को देना चाहते हो तो आप बेसिकली गुलाम बनाना चाहते हो, जो किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। मुस्लिम कोई जाति नहीं है। मुस्लिम में देखिए, हमारे जो देश है, हमारे देश का जो सेटअप है, सोशल सेटअप, उसके अंदर बहुत सारी जाति है। उनका धर्म चाहे कोई भी हो, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, उनकी सबकी जातियाँ हैं। जैसे कुम्हार हैं, कुम्हार आपके हिंदू जाति में भी हैं, मुस्लिम जाति में भी हैं, और कुम्हार नाम के यानी कुम्हार जाति के लोग किसी मज़हब को ना मानने वाले भी हैं। तो बेसिकली जातियाँ अलग हैं, धर्म अलग है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, जाति जनगणना की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा देश जाति जनगणना की बात कर रहा है, जो डॉक्टर उदित राज साहब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो राहुल जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसमें धर्म की बात अलग है, जाति जनगणना की बात अलग है। धर्म के आधार पर हमारे देश में कभी कोई चीज़ नहीं मिली, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था और ये सरकार इनकी बनी थी 2011 में, गालिबन 12-17 में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देंगे, यानी 19.6%, जो उनके मैनिफेस्टो के कॉलम नंबर 24 में लिखा हुआ था, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वही रिजर्वेशन साउथ में कुछ स्टेट्स दे रहे हैं, और वो रिजर्वेशन जो दे रहे हैं, जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है हमारे दलित भाइयों को, उसमें हस्तक्षेप करके नहीं दे रहे, यानी रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ा के दे रही। तो हमारी डिमांड ये है कि रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाया जाए। अभी जो वर्गीकरण कर दिया, अभी जो दलित भाइयों का रिजर्वेशन ख़त्म करा, वो भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप कहते हो कि साहब 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते साहब? ये तो 85% लोग हैं ना आप, 85% लोगों के लिए आप 50% रिजर्वेशन, ये कहाँ का इंसाफ है? तो आप रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाइए, आप जाति जनगणना को भी करवाइए, आप मुसलमान को भी रिजर्वेशन दीजिए। इसमें किसी का रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होने जा रहा, हम रिजर्वेशन बढ़ाने की बात है। देखिए, मुसलमानों की जातियों की आप बात कर रहे हैं, जातियों को ऑलरेडी रिजर्वेशन ओबीसी में मिला हुआ है। ओबीसी में जब रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो धर्म के आधार पर नहीं, वो जातियों के आधार पर है। जो मोदी जी ने जब कर्नाटक के इलेक्शन हो रहे थे, ये कहा था मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, इसलिए वो कर्नाटक वहाँ से हार गए, ठीक है। तो जब जो भी आदमी इस बात को करेगा कि सर हम जातियों का रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, वो देश उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा, ये बात सही है। हमारी जो बात है, जो आपके सवाल है, उसमें जातियों का रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात नहीं है, जातियों का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो रिजर्वेशन ख़त्म सरकार कर रही है, इस बात पे वर्गीकरण करके कि इनको रिजर्वेशन मिल गया, इनकी पुश्तों को मिल गया, हम उस रिजर्वेशन को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम मुसलमानों को एडिशनली रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि साहब जो मुसलमानों की जो जातियाँ रिजर्वेशन में नहीं आती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन की उनको ज़रूरत है,
तो आप उनको भी रिजर्वेशन दीजिए, जो रिजर्वेशन ऑलरेडी है उसको बढ़ा करके दीजिए, कम करके मत दीजिए। देखिए हमारी उम्मीद यह है कि हम लाखों की तादाद में इस रैली में होंगे, ऐतिहासिक रैली होगी। ये रैली वक्फ बोर्ड के मेंबरान की रैली नहीं है, ये रैली मुद्दा तो रखा है ना आपने, मेंबरान को आप कंफ्यूज मत करिए प्लीज, मैं आपको इसलिए वो कर रहा हूँ क्लियर। ये रैली हमारी 5 डिमांड है, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ, रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाओ, जातीय जनगणना करवाओ, EVM बैन करवाओ, और इसमें हमारे ये पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, आदिवासियों को जल जंगल व ज़मीन से वंचित किए जाने के विरुद्ध ये हमारी डिमांड है। अब आपका सवाल है वक्फ बोर्ड के मेंबर, वक्फ बोर्ड के मेंबरों का मैटर नहीं है, जो सरकार सर वही बता रहे ना आपको सुनिए, जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल तमाम देश के मुसलमानों के खिलाफ है, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर के खिलाफ नहीं है। वक्फ बोर्ड के मेंबर तो सरकार के गुलाम होते हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर तो सरकार ही हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर तो सरकार ही हैं, वो स्टिट्यूटरी बॉडी है। वक्फ बोर्ड के मेंबर तो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वक्फ बोर्ड के कानून मिसाल के लिए ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को एक्वायर नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन से करेगा और वक्फ बोर्ड को उसके बदले में कंपनसेशन देगा। जैसे तुम्हारी ज़मीन अगर सरकार लेती है तुम्हारी ज़मीन का कंपनसेशन मिलेगा, तुम्हारी मर्जी से होगा, ऐसी वक्फ बोर्ड के लिए हैं। लेकिन अकेले दिल्ली में 300 प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड की भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली बिना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन के और बिना वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन दिए हुए। वक्फ बोर्ड ने आज दिन तक भी कोई उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो वक्फ बोर्ड तो गुलाम है भारत सरकार के। इस वक्फ बोर्ड को भी हम आज़ाद कराने की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड का निर्माण बिल्कुल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर हो, जैसे उनके इलेक्शन होता है मुसलमानों का भी इलेक्शन हो, वो वक्फ बोर्ड की बॉडियों को खुद मुसलमान चुने। ये अभी भी वक्फ बोर्ड गुलाम है, लेकिन जो आज की सरकार एक्ट लेके आ रही है उस एक्ट के जरिए वक्फ बोर्ड की तमाम जमीनों को छीनना चाहते हैं, गुलाम तो ऑलरेडी हैं ही, वो छीनना और चाहते हैं उसको।